हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए ये एक बड़ा नेटवर्क जिसका खुलासा हुआ है और लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि पूरा एक साल हो चुका है। 2023 में बात अगर की जाए तो 2000 के नोट जो है वो बंद हो गए थे। उसके बाद से इन महिलाओं को उपयोग में लाकर महज 200 रुपए का कमीशन का लालच देकर डेली लाइन में खड़ा किया जाता था और ये महिलाएं नोट बदलवाती थी। कितने रुपए के नोट अभी तक बदलवाए गए होंगे, क्या कीमत रही होगी, और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कब से ये पूरा जो नेटवर्क है काम कर रहा था और क्या पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया गया है, इन तीनों ही सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है और इंडिया न्यूज ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में यानी कि राजधानी भोपाल में एक बड़ा रैकेट चल रहा है जो 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने का काम कर रहा है। अभी भी जिस तरीके से देखा गया कि आरबीआई ने के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मई 2023 को ऐलान किया था कि 2000 नोटों का चलन बंद होगा, उसके बाद 30 सितंबर 2023 तक आप नजदीकी बैंक में जाके बदलवा सकेंगे, लेकिन आरबीआई ने चुनिंदा शाखाओं में इस नोट बंद करने की प्रक्रिया को जारी रखा था, जहां पर एक आधार कार्ड ले जाकर आप नोट बदलवा सकते हैं। भोपाल में आरबीआई दफ्तर के पीछे जो बसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, राजीव नगर इलाका है, वहां पर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, बड़ा रैकेट काम कर रहा है कि प्रतिदिन लगभग 150 से 200 महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और 10 नोट उनको दिए जाते हैं, यानी कि 20,000 रुपए के नोट उन महिलाओं को दिए जाते हैं, जिसके एवज में 150 से 200 रुपए उन महिलाओं को कमीशन दिया जाता है। ये महिलाएं अनपढ़ होती हैं और महिलाएं जाती हैं और लाइन में लगती हैं और वहां पर नोट चेंज कराने का पूरा काम करती हैं। इंडिया न्यूज की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली और कवरेज करने के लिए पहुंचे, वहां पर आरबीआई के तमाम अफसरों ने रोकने की कोशिश की और कवरेज करने से हमें रोका और हमारे कई वीडियो फुटेज को भी डिलीट कर दिया, जिसमें महिलाओं ने माना है कि उनके लिए कई बड़े दलाल प्रतिदिन 10 नोट सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उनके कॉलोनी में जाते हैं, उन्हें नोट देते हैं, 10 नोट के एवज में उनके लिए 200 रुपए का कमीशन मिलता है, जिसके बाद महिलाएं अपना आधार कार्ड और वो फॉर्म भरकर लाती हैं और आरबीआई के दफ्तर में लाइन लगाती हैं और वहां पर जाके नोट को एक्सचेंज करती हैं। 20,000 के नोट के एवज में आरबीआई उन्हें 2-2 रुपए के कलदार 5,000 रुपए के देता है और 15,000 रुपए के 500 के नोट देता है, यानी कि 20,000 नोट को लेकर महिलाएं शाम को जाती हैं, फिर वहां पर एक वाहन आते हैं जो बड़े दलालों के वाहन रहते हैं, उनको ये महिला सौंपती है जिसके एवज में उनके लिए कमीशन मिलता है। तो बड़ा खेल चल रहा है, 200 महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही, यानी कि कल्पना कीजिए लगभग 35 से 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, यानी कि दो नंबर का जो पैसा आता है, ब्लैक का जो पैसा है 2000 का नोट, उसको महिला एक्सचेंज कराती है, उसके एवज में उन्हें 500 के नोट मिल जाते हैं जिसके चलते दलाल सक्रिय है। अब अंदाजा लगाइए कि एक महिला से जब हमने बातचीत की, उस महिला ने बताया कि 15 दिन से प्रतिदिन वो महिला 10 नोट लेकर जा रही है, यानी कि 15 × 10 अगर कीजिए तो 150 नोट उस महिला ने बदले, 150 यानी कि 3 लाख रुपए की राशि उसने 15 दिन में बदलवाई। उस महिला की सालाना आय भी इतनी नहीं है, महज 7 से 8 हजार या 10 हजार रुपए में मजदूरी करने वाली महिला, 200 से 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी करने वाली महिला के पास 3 लाख रुपए के 2000 के नोट कहां से आए, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं आरबीआई की संलिप्तता इसलिए मानी जा रही है कि आरबीआई, पुलिस और इंटेलिजेंस, ये तीनों विभाग कहीं ना कहीं मिले हुए माने जा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के पास सुरक्षा व्यवस्था होती है और वहां पर 360 डिग्री के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी महिला प्रतिदिन चेंज कराने का काम कर रही है। चेंज कराने की प्रक्रिया आपको एक बार विस्तार से समझाता हूँ। वहां पर जाएंगे आरबीआई दफ्तर के बाहर, पहले लाइन लगेगी, लाइन के बाद टोकन मिलेगा, टोकन के बाद अंदर जाके चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद अंदर फॉर्म आपको भरना होगा, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर फॉर्म जमा करना होगा, जमा करने के बाद आपके जो नोट बदलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन महिला अनपढ़ है, महिला को अंगूठा लगाना आता है, फॉर्म भरना तो आता नहीं है, लेकिन आरबीआई के ऑफिस के दफ्तर के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आरबीआई के अफसर महिलाओं का फॉर्म भराएं। वहां पर कुछ पढ़ी लिखी महिला जो दलाल होती हैं वो भी सक्रिय हैं, वो इन महिलाओं को फॉर्म भरने का काम करती हैं, जिसके एवज में उन्हें और ज्यादा कमीशन मिलता है। शाम को गाड़ी आती है, उन गाड़ी के माध्यम से पूरा जो नेक्सस चल रहा है, पूरा रैकेट जहां से चल संचालित हो रहा है, उनके पास से पूरा दो नंबर का जो पैसा है वो एक नंबर में होकर कन्वर्ट होकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम अफसर, आरबीआई के जो जवाबदेही अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, नोट चेंज करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें माना जाता है कि चलो अगर हमारे पास नोट हैं तो हम एक्सचेंज करा लेते हैं, लेकिन क्या इसका डाटा नहीं एंट्री हो रहा कि
एक महिला ने एक महीने में एक आधार कार्ड नंबर पे कितने जो है नंबर ऑफ नोट्स चेंज उसने किए हैं। यानी कि अगर इसका पूरा रैकेट का देखा जाए तो महिला की कुल सालाना आय भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा का वो नोट चेंज कर रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी, महिला मजदूरी और मजबूरी, यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में इतने नोट भारी तादाद में कहां से आ रहे हैं कि नोट खत्म ही नहीं हो रहा है। आरबीआई के तमाम अफसरों को भी ये पता है कि महिलाएं प्रतिदिन नोट चेंज कराने के लिए आती हैं, उसके बावजूद भी सचेत के तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, तो तमाम ऐसे सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता मानी जा रही है कि ये बड़ा संलिप्तता है, माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का भोपाल का बड़ा खनन का कारोबारी है और एक बड़ा राजनेता भी वो रहा है, जिसके चलते जिसकी सह पर पूरा दो नंबर का खेल एक नंबर में हो रहा है। क्योंकि आरबीआई ने 24 जुलाई में एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 98% नोट जब से बंद किए गए हैं नोट वापस आ गए, लेकिन 2% नोट जिनकी कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा है वो आज भी बाजारों में मौजूद हैं। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो नोट हैं तो किन लोगों के पास मौजूद हैं, कौन सा वो नेक्सस काम कर रहा है, भोपाल में नोट कहाँ से आ रहा है, महिलाओं के पास नोट कहाँ से पहुंच रहे हैं, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच होगी तो एक बड़ा खुलासा होगा, कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंडिंग या विदेशी फंडिंग से जुड़ा भी इस मामले को देखा जा रहा है। बिल्कुल चेतन, और बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन इस पर होना जरूरी है क्योंकि आरबीआई के कुछ लोग भी इसमें शामिल है।